हे सो कल पॉकेमॉन डे था एंड पॉकेमॉन वायो ने कल कुछ ज्यादा ही भाई स्पेशल चीज रिलीज कर दिया। तो पॉकेमॉन स्कारलेट एंड पॉकेमॉन वॉयलेट ये दो पॉकेमॉन के नेक्स्ट गेम्स होने वाले हैं एंड की जनरेशन 9 है एक्चुअली। यहाँ पे एक और बहुत सही चीज है एंड वो सही चीज है कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है एंड जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था ये जो गेम्स है इसके अंदर बाकी सारे रीजन भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर नोटिस करो तो मैं यहाँ पे शिनो के कुछ यहाँ पे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। जनरेशन 8 का जो वाइल्ड एरिया है वो भी यहाँ पे था, पूरा का पूरा हैमरलॉक सिटी यहाँ पे था एंड साथ में से जो ग्राफिक्स है भाई क्या ही थे वो। स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि पॉकेमॉन एक लाइव एक्शन लाइक कुछ मूवी रिलीज करने वाली है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर हम लोग को एक देखने को मिला ट्रेलर, इसके अंदर पॉकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट के जो स्टार्टर्स होने वाले उनको भी रिवील किया गया है। अब देखो डिजाइन वाइज इनका जो फर्स्ट स्टेज है वो भाई देखो ठीक ठाक सही है, मतलब उतना कुछ लाइक एपिक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि पॉकेमॉन के पूरे गेम में जो फायर टाइप स्टार्टर पॉकेमॉन रहते हैं वो हमेशा चाइनीज ज़ोडियाक पे बेस्ड होते हैं, तो ये जो नया फायर टाइप स्टार्टर पॉकेमॉन है इसका जो थर्ड फॉर्म है इसका बहुत ज्यादा ऐसा चांस है कि फुली इवॉल्व होकर थर्ड फॉर्म में जाके फायर एंड वैगन पॉकेमॉन बने। वेल देखो इन सबके बारे में जो मेजर डिटेल तो तुम्हें एक मैं स्पेसिफिक वीडियो के तो बताऊंगा कि इनका यहाँ पर लाइक फुली इवॉल्व फॉर्म भाई कैसा हो सकता है, हम लोग काइंड ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे इसके ऊपर राइट। लेकिन फिलहाल के लिए एक और चीज है, एक और अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वह कि पॉकेमॉन लेजेंड आर्केस उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वेब सीरीज आने वाली है। अब वो वेब सीरीज होगी या वेब मूवी होगी वो अलग बात है, ये अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ भाई बन रहा है। अब यार देखो वो कब तक रिलीज होता है वो अलग बात है, लेकिन यार हम लोग हिस्ट्री रीजन के अंदर भी कुछ सिनेमैटिक सीन्स आपको देखने को तो भाई ऑफकोर्स मिलेगी। और देखो लेजेंड आर्केस के अंदर भी बहुत सारे कट सीन्स थे, अब वो कट सीन्स अलग बात है, उसकी स्टोरी भाई इतनी वास्ट थी, लेकिन यार हम लोग को उसके साथ एक वेब सीरीज देखने को मिल सकती है लेजेंड आर्केस पे बेस्ड जो हिस्ट्री रीजन का पूरा लाइक स्टोरी को कन्वे करेगा यार। और देखो जनरेशन 9 को लेके बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा जल्दबाजी कर दी पॉकेमॉन कंपनी ने। स्टार्टर के जो फर्स्ट फॉर्म था उसको देख के भाई मेरे को खुद लगा कि पॉकेमॉन वालों ने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, लेकिन क्या ऐसा है? ये हम लोग को देखो थर्ड फॉर्म बस अच्छा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म भाई अच्छा नहीं हुआ फिर भाई सारी एक्सपेक्टेशन है पॉकेमॉन वालों से फिर वो खत्म हो जाएगी हम लोगों की। और हाँ जबकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन जहां तक मुझे ट्रेलर देख के लगा कि ये जो पॉकेमॉन गेम है इसके अंदर भाई सारे के सारे रीजन जो है एक दूसरे में मिक्स होंगे। मेरे ख्याल से ही पे हम लोग कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग देख सकते हैं, जैसे देखो पॉकेमॉन जर्नीस के अंदर यहाँ पे जो अपने मेन कैरेक्टर्स है वो सभी रीजन को ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ही मेरे ख्याल से इन लोगों ने भी ट्राई किया है पॉकेमॉन गेम्स के अंदर भी अडेप्ट करने का, जो कि दिख रहा है तो सही चीज है। लेकिन यार तो वो भी है हम लोग की यहाँ पे जो मेन स्टोरी होगी लाइक देखो ये ओपन वर्ल्ड गेम है मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसकी जो मेन स्टोरी होगी उसमें क्या होना चाहिए बात तो वो भी है ना, क्योंकि यार देखो सारे रीजन को अगर लाइक मर्ज कर दिया गया है तो भाई इतने सारे जिम बैच तो कोई जीतने जाएगा नहीं, ये गेम तो और बोरिंग बन जाएगा अगर हमें इस तरीके से देखे तो यार पॉकेमॉन वालों ने ऑफकोर्स कुछ और सोचा होगा इसके रिगार्डिंग भी। अब यह वो देखने वाली बात है उन लोगों का यार क्या प्लान है, और सारे रीजन अगर साथ में आएंगे तो हम लोग उससे कैसे एंटरटेन हो पाएंगे, या ये भी एक क्वेश्चन है। और इसके ऊपर एक और डिटेल है कि जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो स्पेन पे बेस्ड हो, क्योंकि देखो इनके जो स्टार्टर पॉकेमॉन है उनके जो मैथोलॉजिकल सोर्सेस है वो स्पेन पे बहुत हद तक बेस्ड है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा एक अलग वीडियो में, लेकिन तब तक तुम ये जान लो ये जो पॉकेमॉन्स है वो स्पेन के मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स पे बेस्ड है। बट यार लेट्स होप कि पॉकेमॉन कंपनी कुछ यहाँ पे हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए जो कि अभी हम लोग की सबसे मेन चीज होगी। और तुम लोग ये जो स्टार्टर पॉकेमॉन्स है इनके बारे में अपना ओपिनियन बताना मुझे कमेंट्स के अंदर, और तुम लोग को ये वीडियो / अपडेट पसंद आई होगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए होते सब्सक्राइब कर दो पॉकेमॉन के और अपडेट्स के लिए। तो यार मैं तुम लोगों को एक्चुअली मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।